तो चलिए दोस्तों, मैं तरुण आज एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गया जो है बहुत बेसिक सा ट्यूटोरियल लेकिन बहुत ज़रूरी है, हम सब लोग जानते नहीं है। वो है पेटीएम वॉलेट से किसी को पैसा कैसे भेजना है, नंबर में भी और QRC कोड चेक करके भी। तो उसके लिए मुझे पहले पेटीएम जो ऐप है मेरा वो मुझे पहले खोलना पड़ेगा। तो मैं अपना मोबाइल पे पेटीएम ऐप खोल लिया, जिसका इंस्टॉल नहीं है गूगल प्ले पे जाइए, गूगल जहाँ से एप्लीकेशन देता है वहाँ पेटीएम लेके सर्च करके डालने पे ही आपको पेटीएम का सारा चीज़ दे देगा। तो मैं यहाँ बताऊँगा पेटीएम में कहाँ क्या चीज़ है। यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं, बुक ऑन पेटीएम, शॉप पेटीएम, ये सब तरह तरह का चीज़ है। ये जगह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पेमेंट के लिए पे। अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं इधर उसका मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से डालिए, यहाँ इंटर अमाउंट कीजिए, उसके बाद भेजिए। लेकिन उससे पहले आप और अगर किसी को पैसा भेजना है उसके लिए आपको ऐड मनी करना पड़ेगा। तो ऐड मनी में जाइए, आप जितना अमाउंट डालना चाहते हैं उतना डालिए, ऐड मनी कीजिए। उसके बाद ये आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स मांगेगा, कौन सा बैंक से आप पैसा लेना चाहेंगे। तो ये मेरा बैंक अकाउंट है, यहाँ डालने से आपका पैसा पेटीएम में आ जाएगा। तो मेरा अभी पैसे का दरकार नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। और बाकी बैलेंस चेक करने के लिए कि आपने किसको क्या पैसा भेजा, तो उसके लिए पासबुक पे जाना पड़ेगा। पासबुक पे जाके ये दिख रहा है पासबुक, पासबुक में आपका सारा ट्रांजेक्शन दिख रहा है। अगर आप यहाँ से पैसा बैंक में भेजना चाहते हैं तो बैंक दबाइए, यहाँ से अगर आपका मानी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब पैसा ट्रांसफ़र करने का टाइम आएगा तब वो पैसा मांगेगा, तब आप बैंक अकाउंट देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो सोचिए मेरे अपना ही अकाउंट देता हूँ, ये मेरा ही अकाउंट है, यहाँ से मुझे 1000 रुपया अगर लेना है तो 1000 रुपया में से वो 29 रुपया चार्ज कटेगा। इसके बाद ये पेमेंट का आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि किस चीज़ के लिए आप पैसा भेज रहे हैं, चाह कि याद रहे। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड किया, प्रोसीड करने पर कॉन्फर्म मैसेज देगा, उसके बाद वो फिर से वही जगह पे लेके आएगा कि आपका पैसा नहीं, आप भरिए। तो ये है प्रोसेस। तो ऐसे करके आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड मनी टू वॉलेट, यहाँ से पैसा भी भेज, मतलब आपका वॉलेट जो है मतलब पेटीएम का जो बैंक है वह पैसा ला भी सकते हैं। तो ये सारा सारा चीज़ है जो आपको मैं बताना ठीक समझा, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछता है कि पेटीएम कैसे यूज़ होता है। यह है बेसिक चीज़, नीचे में जाके आप ख़रीदारी करिए, कोई भी चीज़ आपको लेना है, टीवी वगैरह, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, फ्री डील जो भी है वो आप लीजिए। यह है सारा आपका चीज़, मतलब पूरा पेटीएम का सारा चीज़ यहाँ है। पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए अगर किसी के पास पेमेंट लेना है तो ये आपका QR कोड है, ये कोई स्कैन करके भी डाल सकता है या आपका जो नंबर है वहाँ से भी डाल सकता है। तो दोस्तों मैंने पेमेंट रिलेटेड पेटीएम का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को दे दिया। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय एंड वंदे मातरम।